हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, सावन के ऐसे उपाय जिससे बदल सकता है आपका पूरा जीवन, मालामाल हो सकते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना महादेव की अति प्रिय है। इस महीने में वर्षा ऋतु अपना पूरा जोर लगाती है और हरी भरी प्रकृति मुस्कुराती नजर आती है। चारों ओर माहौल शिवमय दिखाई देता है। ज्योतिष विशेषज्ञ के माने तो इस महीने में यदि भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के थोड़े भी प्रयास करे तो महादेव की कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उनके मन में जो भी मनोकामना होती है वो आसानी से पूर्ण होती है। यदि महादेव के भक्त सावन के महीने में कुछ विशेष उपाय करें तो उनकी सोई किस्मत भी जाग सकती है। वे मालामाल हो सकते हैं और हर वो मन्नत पूरी हो सकती है जिसे वो चाहते हैं। तो दोस्तों, जिसे जिसके लिए वो सालों से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, तो आइए जानते दोस्तों ऐसे कौन से उपाय इसे करने से महादेव तुरंत अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, सावन के महीने में छोटा सा पारस शिवलिंग लेकर आए और मंदिर में स्थापित करें। हर रोज इसे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से गरीबी कोसों दूर रहती है और यदि कोई मनोकामना मन में है तो वो पूर्ण होती है। और दोस्तों, पारस शिवलिंग को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर ये घर में है तो इसकी पूजा जरूर ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि लंबे समय से घर से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं तो सावन के सोमवार के दिन बेल के पेड़ के नीचे खड़े होकर किसी जरूरतमंद को खीर और घी का दान करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में किसी तरह की परेशानी चल रही है तो सावन में जल में थोड़ा सा केसर डालकर महादेव का अभिषेक करें। इसके अलावा सावन के सोमवार या मंगलवार के दिन सुहाग का सामान किसी सुहागिन को दे दे, इससे भी वैवाहिक जीवन के संकट दूर होते हैं। तो दोस्तों, यदि संतान से जुड़ी कोई परेशानी आ रही है तो सावन में शिवलिंग पर रोजाना धतूरा चढ़ाएं, इससे संतान की संबंधित कोई भी समस्या दूर हो जाती है और संतान खूब तरक्की करता है। तो दोस्तों, यदि बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती है तो सावन के महीने में दूध और जल मिलाकर उसमें थोड़े काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें, इससे बहुत ही चमत्कारी उपाय माना जाता है। अगर बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर इसे महादेव को अर्पित किया जाए तो कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा आग का फूल महादेव का अति प्रिय है, यदि इसकी माला बनाकर महादेव को अर्पित की जाए तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भंडार गृह हमेशा भरा रहे तो सावन के महीने से महादेव को नियमित रूप से साबुत अक्षदा चढ़ाना चाहिए, यानी कि चावल चढ़ाने चाहिए। ये क्रम भी न तोड़े, ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर में हमेशा निवास करती है। तो दोस्तों, इस तरह ये आप उपाय सावन के महीने में करते हैं तो आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा तो रहेगी पर महादेव की कृपा भी अवश्य बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।